आईसीएसआई का ऑफिशियल नोटिफिकेशन बताएंगे सीएसडब्ल्यूटी नवंबर 23 का रिजल्ट कब आने वाला, कुछ स्टूडेंट्स डाउट पूछ रहे थे। आई नो कि आप लोगों का एग्जाम खत्म हो गया, अब आप लोग रिजल्ट के बारे में सोच रहे हो, तो आपने सही वीडियो पे क्लिक किया है। इस वीडियो में आपको सारा इन्फॉर्मेशन दे देंगे ताकि आपको कहीं और टाइम वेस्ट ना करना पड़े। अभी आप लोगों का एग्जाम खत्म हुआ तो थोड़ा दिन आप लोग रिलैक्स रहो, ज़्यादा रिजल्ट के बारे में ना सोचो, क्योंकि रिजल्ट डिक्लेयर होने के बाद आपको एग्जीक्यूटिव में जाना है। तो कौन कौन स्टूडेंट सीएस एग्जीक्यूटिव में जाना चाहते हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि सीएसडब्ल्यूटी का पासिंग परसेंटेज बहुत अच्छा होता है, मैक्सिमम स्टूडेंट्स पास करेंगे, बस अपने आप पे विश्वास करो। जो लोग इस चैनल को रेगुलर फॉलो करते हैं उनको पता होगा कि चार्टर्ड स्टडीज ने आप लोगों को कितना हेल्प किया। आगे चल के आप लोग सीएस एग्जीक्यूटिव में जाओगे, इसके बाद सीएस प्रोफेशनल में जाओगे, तो वहाँ भी चार्टर्ड स्टडीज सारे स्टूडेंट्स को हेल्प करेगा। ODOP भी करना पड़ेगा, प्री एग्जाम टेस्ट भी देना पड़ेगा, टाइम टू टाइम वीडियो आएगा ताकि आपके मन में कोई भी डाउट ना रहे। स्टूडेंट्स अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो प्लीज़ चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। मेरे हिसाब से प्यार और हेल्प दो वे होना चाहिए, सिंगल वे नहीं होना चाहिए, तो मैं एक तरफा प्यार आप लोगों के साथ कर रहा हूँ। प्लीज़ स्टूडेंट्स आप लोग चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन बेल दबाइए, क्योंकि यूट्यूब पे एकमात्र ऐसा चैनल है जो सीएस रिलेटेड सबसे पहले अपडेट करता है। ऑफिशियल अपडेट में क्या लिखा हुआ है आपके स्क्रीन पे नहीं शो करेगा, जो लोग पिछले वीडियो देखे होंगे उनको पता होगा कि नवंबर के लास्ट वीक में सीएसडब्ल्यूटी नवंबर 23 का रिजल्ट डिक्लेयर होगा। मैंने आप लोगों को बताया था इतना लेट नहीं होने वाला, कुछ स्टूडेंट्स को डाउट आ रहा था, 4 नवंबर को एग्जाम हुआ था क्या उसका अलग रिजल्ट आएगा, 6 नवंबर को एग्जाम हुआ उसका अलग रिजल्ट आएगा। स्टूडेंट्स ध्यान से बातों को सुन लेना, 4 नवंबर के एग्जाम में जो स्टूडेंट्स अपियर नहीं कर पाए वही स्टूडेंट्स 6 नवंबर के एग्जाम में अपियर किए हैं, यानी कि रिजल्ट एक ही दिन आएगा। अब ध्यान से बातें को सुन लेना, डेट याद रखना, 15 से 17 नवंबर के बीच में एक्सपेक्टेड डेट है कि आप लोगों का रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया जाएगा, ज्यादा दिन नहीं लगता है। एक्सपेक्टेड डेट है कि 15 को रिजल्ट डिक्लेयर हो जाए, 16 को हो जाए, 17 को हो जाए। रिजल्ट डिक्लेयर होने से 24 घंटा पहले ऑफिशियल वेबसाइट पर नोटिफिकेशन रिलीज हो जाता है। जिस दिन रिजल्ट डिक्लेयर होता है ना, तो स्टूडेंट्स वाला सेक्शन पे यहीं पे आपको रिजल्ट चेक करने का लिंक मिल जाएगा, उस लिंक पे क्लिक करना है, अपना यूनिक आईडी और डेट ऑफ बर्थ लिखना है, रिजल्ट आपके स्क्रीन पे आ जाएगा। मैं पहले बता देता हूँ, जैसे ही ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगा ये भी चीज़ सबसे पहले चार्टर्ड स्टडीज अपडेट करेगा आप लोगों को, तो अभी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एक और बात, अभी से आप लोग ज्वाइन कर लो चार्टर्ड स्टडीज का टेलीग्राम चैनल, थोड़ा सा हार्डवर्क लगेगा, कोई हार्डवर्क है नहीं, टेलीग्राम पे सिर्फ सर्च करना है चार्टर्ड स्टडीज। जैसे ही रिजल्ट डिक्लेयर होगा मैं रिजल्ट चेक करने का डायरेक्ट लिंक वहां पे शेयर कर दूंगा। जिस समय रिजल्ट डिक्लेयर होता है ना, ट्रैफिक ज्यादा होने के कारण आधा एक घंटा वेबसाइट का सर्वर डाउन होता है, तो आप लोग रिजल्ट नहीं चेक कर पाओगे। जो लिंक मैं शेयर करूंगा टेलीग्राम चैनल पे उससे आप लोग आसानी से रिजल्ट चेक कर पाओगे, तो अभी से ज्वाइन कर लो चार्टर्ड स्टडीज का टेलीग्राम चैनल को। बस आप लोग चार्टर्ड स्टडीज का स्पेलिंग सही लिखना, और हाँ फेक चैनल पे आपको नहीं ज्वाइन करना, आपको ज्वाइन करना ऑफिशियल चैनल को। कैसे पता चलेगा, जब आप टेलीग्राम पे सर्च करोगे चार्टर्ड स्टडीज, 80,000 से भी ज्यादा स्टूडेंट्स ज्वाइन करके बेनिफिट ले रहे हैं, तो आप लोग क्यों पीछे हटना, ज्वाइन कीजिए चार्टर्ड स्टडीज का टेलीग्राम चैनल को। आई होप कि आपका डाउट क्लियर हो गया होगा कि रिजल्ट कब डिक्लेयर होने वाला, प्लीज इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। और हाँ, वीडियो के स्टार्टिंग में भी बोला था कि प्यार दो वे होता है, हेल्प दो वे होता है, एक तरफा प्यार नहीं अच्छा लगता, तो प्लीज स्टूडेंट्स आप लोग भी हमें सपोर्ट करो। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन बेल दबाइए ताकि सीएस रिलेटेड एक भी इंपॉर्टेंट अपडेट और अनाउंसमेंट मिस ना हो पाए। सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ऑल द बेस्ट सारे स्टूडेंट्स को रिजल्ट।